दोस्तों, आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमें कहां से कहां ले आया। पहले लोग वे कुएं का मैला कुचैला पानी पीकर भी 100 वर्ष से ज़्यादा जी लेते थे, लेकिन अब आरओ और फ्रिज जैसी चीज़ों के शुद्ध पानी पीकर भी 40 वर्ष में लोग बूढ़े नज़र आते हैं। पहले 7 से 8 बच्चे जन्म देने वाली माँ 80 वर्ष की अवस्था में भी खेतों का काम कर लेती थी, लेकिन अब डिलीवरी के शुरू महीने से ही डॉक्टर के देखरेख में रहती है। दोस्तों, पहले लगभग सभी के पुराने घरों के दीवारों में ऐसे छोटे छोटे धरखे जरूर बने होते थे, लेकिन आज इनकी जगह महंगे महंगे फर्नीचरों ने ले ली है। आज के समय में महिलाएं भी जिम जाती है, लेकिन पहले के दौर में यही सब चीज़ें महिलाओं के लिए जिम से कम नहीं थी, जिन पर वे दिन भर काम करती और खुद को फिट रखती थी। पहले गांव का वैद्य किसी के हाथ पकड़ के भी रोग बता दिया करते थे और उनका इलाज भी जड़ी बूटी द्वारा आसानी से की जाती थी, तो वहीं आज कई जांच कराने पर भी रोग नहीं पता चलता। पहले के लोग वो नीम, बबूल, कोयला और नमक से दांत चमकाते थे और 80 साल तक भी चबा चबा कर खाया करते थे, तो वहीं आज महंगे महंगे टूथपेस्ट यूज करके रोज डेंटिस्ट के चक्कर लगाते फिरते हैं। पहले ज़माने के लोग समय गुजारने के लिए आपस में बातें और हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन जब से मोबाइल और इंटरनेट का दौर आया दोस्तों, तब से किसी के पास 1 मिनट समय नहीं है। पहले लोग मिट्टी के चूल्हे पर भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना बनाकर खाया करते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक और गैस चूल्हे पर भी वैसे स्वाद नहीं मिलती। पहले लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर खुद को स्वस्थ रखा करते थे, लेकिन मोटर वाहन के इतने सारे साधन में लोग आलसी हो गए हैं। पहले लोग मिट्टी से बने घरों में सब परिवार हंसी खुशी जीवन बिताया करते थे, तो वहीं अब बड़े बड़े घर बनाकर भी लोग दुखों और टेंशन से भरे रहते हैं। पहले गांव के बच्चे घर में ही गुड्डा गुड़िया का खेल खेलकर खुद का मनोरंजन किया करते थे, तो वहीं आज दिन भर बच्चे मोबाइल में व्यस्त होकर चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं। पहले लोग गर्मियों में हाथों से बनाए गए पंखे झेलकर पूरा गर्मी चैन से बिता लिया करते थे, वहीं आज एसी कूलर में भी वैसी नींद नहीं आती। पहले हर किसी के छोटे बड़े कामों में लोग फ्री में हाथ बटाया करते थे, तो वहीं आज पैसे लिए बिना एक भी काम नहीं करते। पहले बच्चे बिना क्लासरूम के ही बाहर चटाई बिछाकर खिली धूप में बैठकर पढ़ लिया करते थे, लेकिन आज अच्छे अच्छे क्लासरूम में भी बच्चे नहीं पढ़ पाते। पहले लोग चरपाई पे सोकर जो सुकून वाली नींद लेते थे, वो आज महंगे महंगे पलंग पर भी नहीं आती। पहले के शादियों में ऐसी लाइटें जलाकर भी लोग पूरी रस्म में हंसी खुशी निभाया करते थे, तो वहीं आज हजारों तरह के लाइटें जलाकर भी लोगों के चेहरे पर वैसे उत्साह नजर नहीं आते। दोस्तों, 20 से 30 साल पहले गांव के सारे ग्रामीण लोग कभी दूसरों के घरों में बैठकर रामायण महाभारत देखा करते थे, लेकिन समय आज इतना बदल गया है दोस्तों कि लोग दूसरों के घरों में जाने से भी कतराते हैं। दोस्तों, पहले दौर के बच्चे दादा दादी के पास घंटों बैठकर उनसे बातें और कहानियां सुना करते थे, लेकिन वहीं आज के दौर के बच्चे दादा दादी के पास 1 मिनट भी नहीं बैठा करते हैं। आज के गांव की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल गई है। वे खेत खलिहान और गांव की गलियों में अब पहले जैसा होली बिरहा की धुन सुनाई नहीं देती, इनकी जगह फिल्मों के गीतों और गानों ने ले ली है। कच्चे मिट्टी के घर पक्के मकान में तब्दील हो रहे हैं। आज गांव में चलती बैलगाड़ियां भी बहुत कम दिखाई देती है दोस्तों, क्योंकि इसकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। गांव की चौपाल भी बहुत फीकी पड़ने लगी है। पहले बच्चे घर के चार दीवारी में कैद नहीं थे, बल्कि खुले स्थान में खेला करते थे। 1985 और 1995 के बीच पैदा हुए लोग अब तक के सबसे अनोखी पीढ़ी के हैं, क्योंकि 1995 से पहले वाली पीढ़ी मेहनत करने में विश्वास रखते थे, वहीं आज की पीढ़ी सिर्फ स्मार्ट और दिखावा करते फिरते हैं। कभी हमने रेडियो की खिटखिट की आवाज़ से लेकर 5G इंटरनेट की स्पीड तक देखा है,
इसीलिए तो हम लोग एक खास पीढ़ी के लोग हैं। कभी हम लोग झिलमिलाते हुए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे फिल्में देखा है और आज नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसी चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। ये कितनी विडम्बना की बात है दोस्तों कि आज के दौर में छोटे छोटे बच्चों को भी माँ बाप उनके हाथों में मोबाइल दे देते हैं। एक हम लोग थे जो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जिद किया करते थे तो चप्पल से पिटाई होती थी। पहले जब कभी बरसात होती थी दोस्तों तब माँ स्कूल जाने से मना कर देती थी। उस समय इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई और थी ही नहीं। दोस्तों वो दौर बीत ही गया जब हम लोग तारों भरे आसमान के नीचे एक साथ भाई बहन सभी साथ में सोते थे। खूब सारे किस्से, खूब सारे अंतराक्षरी होती थी। पहले की 90s की शादियाँ भी अलग होती थी। उस समय शादियों की एक अलग ही क्रेज था। पहले की शादियाँ 10 से 15 दिन से भी ज़्यादा चलती थी। मोहल्ले की औरतें आकर हर शादी के रस्मों में गीत गाती। शादी वाले घर में तो दिन भर रौनक रहती थी, खास करके बच्चों में। बच्चे इतने खुश होते थे, कोई रात रात भर जाग जाया करते थे। जब शादियों में खाने की बारी आती थी तो लोग नीचे बैठकर पत्तल में खाया करते थे और उस समय खाने में ज़्यादा व्यंजन तो नहीं होते थे, लेकिन जो भी चीज़ें होती थी दोस्तों उस समय अलग ही आनंद आता था। आजकल के शादियों में तो ढेर सारे व्यंजन बने होती है लेकिन कोई पेट भर नहीं खाता। साथ ही पहले के शादियों में कुछ इस तरह के बैंजो पार्टी होती थी जिसकी धुन से ही लोग थिरकने लग जाते थे। आज इसकी जगह डीजे ने ले लिए दोस्तों, और दहेज में सिर्फ टाइटन या HMT वाली घड़ी या साइकिल ही दिए जाए तो उसमें बड़ी सम्मान की बात होती थी। किसी किसी ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को दहेज में TV भी मिला करती थी जो उस ज़माने में बहुत बड़ी बात हुआ करता था। दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि दहेज के रूप में आप क्या क्या लिए थे। 1990 के दौर में आज की तरह सैकड़ों गाड़ियाँ और बसें बारात नहीं जाती थी, बल्कि लोग तो ट्रैक्टर, बैलगाड़ी या साइकिल से ही चले जाते थे। दोस्तों बचपन से जुड़ी और भी ऐसे ही यादें हैं जिसे देख आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई होगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से एक अच्छा और लाइक कर देना ठीक।